हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी वर्कआउट वाली क्लासेस, वहाँ के लिए मैं निकल गई हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई थी घर के कुछ कुछ काम में और अभी हम निकल गए। उससे पहले आपको ये बताना था कि देखिए कल हमारे यहाँ पे नया गैस स्टोव भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, आज है यहाँ पे मेरा पहला डे और आज मैं पहले ही दिन आधे घंटे लेट आई हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है और बहुत ही मज़ा आया। लेकिन उसने कहा कि अभी सब स्टार्ट है, आगे जाके बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, लेकिन मज़ा आया। थैंक यू, कल मिलते हैं, कल टाइम पे आओ। रेहान, तुमने छोड़ा ये खा के? अभी यही खा लेना। खाने में क्या है भाई? पूछा पापा खाना रेडी है या नहीं? रेडी है ना, करेले हैं पापा के लिए, करेले बनाए हैं। अच्छा, और ये दाल बनाई है। अच्छा, और ये चावल, ये चावल है। और रोटी, रोटी बनी रखी है। अच्छा, ये चुपड़ी हुई रोटी बनी रखी है। अभी पापा को खाना वाना दे दे, उसके बाद चलना है। हाँ, मार्केट फिर चले। बस भाई दे दे, हाँ, जो खाना दे दे, फिर चल। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ये सब कुछ रख रहे। फ्रेंड्स, उस वक्त ना जब पापा लोग एडमिट थे तो क्या बोलते हैं वो आया था, क्या आया था, फ्रेंडशिप डे। तो ये लोग बेचारे मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। ये रिजा लाई थी, टिफिन है। ये सारा की तरफ से मग था। आपको पता है मैं ग्रीन टी और ये सब चाय कितना पीती हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो थैंक यू सारा। और रेहान की तरफ से ये बॉटल थी, ये भी बहुत ही क्यूट थी। थैंक यू रेहान, वेलकम। सो रहे हो? थोड़ी नींद आई। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे ना खाना खाने में आधे घंटे की देरी। अभी अभी मैं जिम से आई हूँ, थोड़ी देरी हो गई, तो मैं आधे घंटे बाद लंच करूंगी। उससे पहले मैं पी रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा एप्पल साइडर विनेगर है, वो तो मैं लिक्विड वाला पीती थी। बता दूं कि प्लिक्स लाइफ ने वर्ल्ड का पहला एप्पल साइडर विनेगर निकाला है, जो कि है एफरवेसेंट फॉर्म में, जिसे लेना बहुत ज्यादा ईजी है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने आज से वर्कआउट स्टार्ट किया है, डाइट भी स्टार्ट होगी आज से। तो आज थोड़ा सा प्रॉपर लाइफस्टाइल में आ गए, क्योंकि आपको पता है इतने दिनों से डाइट नहीं हुई, कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ। और जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं, ये सारी चीजें ना आपको मतलब दिखती नहीं है किसी सामने वाले को, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आपका मन अच्छा नहीं होता, किसी काम में मन नहीं लगता, लेकिन आज से अच्छा लग रहा है। वेट भी कम करना है, तो वेट कम करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। वेट लॉस की बात चलिए तो मैं आपको बता दूं कि एप्पल साइडर विनेगर भी वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये नहीं कि आपने कोई चीज पी ली है तो आप एकदम पतले हो जाओगे, नहीं, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। लेकिन वेट लॉस के लिए आपको प्रॉपर डाइट भी लेनी पड़ती है, आपको एक्सरसाइज भी करनी होती है, एक घंटा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मैं अभी करके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे भी कामयाब हो जाऊँ इन सब चीजों में। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर डेफिनेटली हेल्प करता है, मुझे भी हार्मोनल इश्यूज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। जो हमारा गट हेल्थ होता है ना, उसे भी इम्प्रूव करता है, हमारे स्टमक को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। और एक इसकी बहुत अच्छी चीज है, ये एपेटाइट कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप हमेशा वो लिक्विड वाला ही एप्पल साइडर विनेगर पी। जैसे अभी मैं बाहर थी, हॉस्पिटल में थी, मैं नहीं ले पाई थी, तो मैं ये वाला ले रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को जो उसका टेस्ट होता है वो लेना मतलब किसी के लिए इम्पॉसिबल ही होता है, कि हम उसे अपने डाइट में ले ही नहीं सकते। आप लोग ये वाला प्लिक्स लाइफ का एप्पल साइडर विनेगर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसका जो स्मेल है, इसका जो टेस्ट है, वो बहुत ही अच्छा है। आपको फील ही नहीं होगा कि आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हो, लेकिन जो बेनिफिट्स है वो आपको मिल जाएंगे। इसकी जो एक टैबलेट है ना, जो लिक्विड वाला एसीवी आता है, उसके वन शॉट के बराबर है। और इसका जो स्मेल और टेस्ट है वो एकदम भी बुरा नहीं है, एकदम एप्पल की तरह आपको टेस्ट आएगा। और ये सेफ है एकदम, क्योंकि ये 100% प्लांट बेस्ड है, इसलिए इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो एक बार आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें इसे लेने से पहले। इसमें विटामिन B12 भी है, जो हमारे हेल्दी ब्लड सेल्स को सपोर्ट करेगा। इसमें विटामिन B6 भी है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। और इसमें पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट भी है, जो हमारे एपेटाइट लेवल को कंट्रोल करेंगे। किसी भी टैबलेट आपके वेट मैनेजमेंट में, मेटाबॉलिज्म में, हार्ट हेल्थ में, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, आपके स्टमक को स्ट्रांग बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। इसे लेना बहुत ज्यादा ईजी है, मैंने आपको दिखाया था अभी जब मैंने पिया था। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, आपको जैसे एक टैबलेट लेना है, नॉर्मल वाटर लेना है, उसमें डाल देना है और
और कुछ सेकंड तक वो पूरी ऐसे एकदम घोलेगी और आपको जस्ट पी जाना है और अच्छा सा टेस्ट एंजॉय करना है। आप इसे दिन में एक या दो बार ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले और लंच के आधे घंटे। अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कीजिए जो कि सबा 30, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा प्लिक्स की वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ लंच, बना है दाल चावल करेले की सब्जी और इसमें थोड़ी सी ककड़ी भी दी है खाला ने, तो मैं खा लेती हूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। उसके बाद मैं पापा से मिलने गई थी, पापा आराम कर रहे थे इसलिए उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे पता था कि आप व्लॉग बना रही हो। क्यों? क्योंकि मैं खा रहा हूँ। तो मैं तुम्हारा खाना दिखाती हूँ हमेशा। क्या खा रहे हो? मैंने वो दाल चूड़ा मंगाया था तो वो खा रहा। इसने ना जगह अपने बच्चे बेटी खाता, वो चावल खाए? नहीं नहीं खाया। कब खाओगे? अम्मी ने इतने सारे तो निकाल दिए थे, आप भी सकती तो आप भी नहीं खा पाती। अभी खाओगे तुम? जितने वही खाए कर, रात में वही खाऊंगा। और ये देखो ये फिर से अपने पुराने दिन में आ गए। रेसिपी सारा में से किसी ने उसमें इंक गिरा दी थी। वही तो फ्रेंड्स, वो वाले कवर में ना ये लोग बैठ के पेन छोड़ के चले गए। जब पेन छोड़ के चले गए देखा तो वो इतना सारा इंक उसी में जाता गया, लेकिन शुक्र है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँचा था। देखो इनको सब कह रहे हेल्दी खाओ हेल्दी खाओ, आज ये फिर क्या खाने बैठी है बताओ। दाल चूड़ी से रोटी खा रही है। बताओ सब्जी नहीं खाई? दाल खाई है ना, दाल खाई है। थोड़ा मुंह अच्छा करने के लिए करेले। आज के बहुत कड़वे बनाए हैं लेकिन हाँ थोड़े कड़वे थे लेकिन पापा भी कह रहे थे। आप भी असली बताओ कि खिचड़ी अच्छी नहीं बनाती है? क्यों कौन? अम्मी और ये दोनों। क्यों रहा? इनके जाने का टाइम आ गया है तो इनके थोड़े बहुत बच्चे कुछ काम करा देते हैं। ठीक है अम्मी आ रहे हैं। एक हफ्ता और कुछ लाना है? नहीं पक्का? नहीं पक्का। हम लोग दुपट्टे की शॉप पे पहुंच गए, यहाँ पे शॉप वाले भैया ही गायब है। क्या करें? यहाँ कहीं देख रहे हैं ना, पीछे दूसरी वाली दुकान है। मेरी बैठी का नहीं क्या बोल रहे हैं? बोल बोल बोल, ये सही दिख रही है ना? इसका कवर है लियोक्रोमैक्स है, सिंपल सा चाहिए और नहीं है उस टाइप के, वो कलरफुल से सिलिकॉन नहीं है। पुराना फोन भी नया जैसे लगने लगा। ये सारा की और ये हमारी और अभी किसकी हो रही है? अभी के साथ बंद हुए थे क्या? चलिए थैंक यू। ये चूड़ी को भूल गया, चूड़ी ले लेना। ये है देखो, ये तुम्हें चाहिए? हाँ तुम्हें भी। ग्रीन कांच की चूड़ी 50-60 है। 12 ले लो ले लो। तो हमारा मार्केट का सारा काम हो गया और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर। हमने चूड़ियां भी पहन ली है। कहाँ गए थे तुम? ऊपर गड़े को वॉक कराने खाने के लिए। हम लोग घर आ गए हैं और इनको कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें लेनी थी। आपको पता है कि खाला के नाजा खाला के जाने का टाइम आ रहा है तो उनको कुछ कुछ लेना था तो उनका वो सब करा दिया। घड़ियों में इनके सेल नहीं थे, वो भी ले लिए हैं। और इनको वहाँ पे चूड़ियाँ मिल गई थी। ये लोग काफी दिनों से हमें कह रहे थे कि हरी चूड़ियाँ हरी चूड़ियाँ। तो ये हरी चूड़ियों में क्या सिस्टम है बताओ? बारिश में अच्छी लगती है पहनने में, हर बार हमेशा हर साल हम पहनते हैं बारिश में हरी चूड़ियाँ, इसलिए हमेशा से पहनते आ रहे हैं। मतलब कब से? बहुत साल हो गए। हाँ, हर साल शादी से पहले से। पहले भी शौक था चूड़ियों का। मौदाम में सब लोग जो है वो बारिशों में हरी चूड़ियां पहनते हैं। तो ये लोग तब से पहनते हैं। तो जैसे ही हरी चूड़ियां दिखी तो बोले हरी चूड़ियां लेना। हमने कहा चलो ले लो। फिर सब जब ये पहन ही रहते तो फिर मैंने भी पहन ली। कैसे तुम लोगों ने सोफे कवर में वो कर दिया? ओ कितना अच्छा लग रहा है। आजकल ऐसे बहुत चल रहे हैं। बहुत आप कभी कवर नहीं डालती थी ना? क्या है टेबल दिलाने मेरी। अब लेना तो बनता ही है ना। अब क्या खा रहे हो? वो पुलाव। ठीक है अभी हम मैं और रिजा सारा जा रहे हैं बाजार तक, उसकी चप्पल चेंज करानी है, उसके बाद आके मिलते हैं। और मेरा कब चलोगी? क्या? हाँ अभी बाद में। कब? बस बाद में। आपको याद है इसकी जो चप्पल टूट गई थी हमने स्केचर्स से ली थी, आज इतने दिनों बाद हम उसे एक्सचेंज करने जा रहे हैं। पता नहीं एक्सचेंज करेंगे या नहीं करेंगे। और मुझे ना थोड़ी शर्म भी आती है सब कामों में, कभी किया नहीं है ना। तो चलो चलते हैं। अभी स्केचर्स के आउटलेट के बाहर आ गए। मुझे इतनी ज्यादा
शर्म आ रही है सारा। क्यों आती है? नहीं इतनी नहीं आती। फ्रेंड्स जब से मार्केट अभी 10 बजे तक खुला रहता है ना, लोग दिन में नहीं निकलते हैं, सारे लोग रात में निकलते हैं, इस वजह से बहुत भीड़ होने लगी है। हम लोग आ गए अभी मार्केट और यहाँ से लेना हमको रिजर्व का स्टडी टेबल, बहुत जल्दी से ले रहे ऑटो वाले भैया को पीछे रोक किया है। ये वो भी रख सकती हूँ बहुत। पक्का खोलो। अब साइज सही आए तो अच्छे से वाली। हाँ। नाप की है? रिजा ने नाप ली थी। नाप सही है। दोनों पहना। रिजा की बदलाने गए थे तो वही दिख गई थी। आपको ऐसी चाहिए थी बहुत दिनों से। ऐसी वाली नहीं पहनती हो क्या? देखेंगे शुरुआत करेंगे। चल के देखो। सही है थोड़ा से। अरे बहुत दिनों बाद पहनी है ना। नहीं तो वो दो बंदी वाली में मिल जाएंगी, लेकिन आप कह रहे थे आपको इस तरह की भी पहननी है। एक बार अभी ये फैशन में ये चल रही है, आपसे नहीं चलते बनेगा तो बदल देंगे। अच्छे से पैर अंदर कर लो पूरा, घर में तो पहनना है। अगर नहीं कम्फर्टेबल तो बदल देंगे। हाँ, बदल लेंगे। हाँ। फिर आपने क्यों ऐसी पसंद कराई थी ये बताओ? मिंत्रा से ऐसी कराई थी ना? ये ऐसी रहती है। ये तो ये अभी नया चल रहा है। यहाँ यहाँ ये बीच में उठा है। ये अच्छी होती है, हमारे पास भी ऐसी बड़ी हलम में। हाँ थोड़ा सा हमारे बस, हम जैसे मतलब दो बद्दी वाली मिल जाए यही ना। तो आप चलना। हाँ रिजा उसका बिल रख। कहाँ गया बिल? बिल रख। उसमें क्या है कि हम चट चट चल लेंगे। फिर बताओ उनको दुपट्टा दिला के लाए तो वहाँ पे भी तो अम्मी हमें हल्का सा ऐसे हमने से पूछा था। हाँ, पूछा था कि नहीं चल जाएगा अम्मी, हमें हल्का सा लग रहा था। हमने बोल इसने जब हमने से कहा ठीक है तो ये लेने वाली बोलती है कि हाँ सही लग रहा है। इसमें मिला है एक अलग कलर, अलग कोई भी देख के कह देता कि ये नहीं मैचिंग जाएगा। अम्मी को लेके जाएंगे। मैंने भी यही कहा कि अम्मी के आप चप्पल बदलने जाना, बस तुम दुपट्टा लेना और डायकी ले दे। अब तुम ही अब वही लेस लगा लेना। अब तुम ही जाएगी। अब अम्मी के बगैर काम नहीं बन पाएगा भैया हमसे। ये बात सही है फ्रेंड्स, अम्मी नहीं जाती है तो कोई भी काम नहीं बनते। हम लोग तीन तीन लोग गए ना, हमें लेस समझ में आ रही थी और ना ही ये हुआ। और देखो दुपट्टा भी हम लोग क्या लेके आए। अम्मी जो है वो एकदम बिल्कुल डिजाइनर है और अम्मी के बिना सच में हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता है। इन सब चीजों का अम्मी बनवाएंगी। हाँ, नहीं अब इसमें डाई करवा देंगे दुपट्टे में और जो लेस लाएंगे वो लगवा के आसपास गोटा लगवा देंगे तो सबसे अच्छा हो जाएगा। ये इसमें कहीं से नहीं जा रहा है, लेकिन बच्चे हैं उनको क्या इतनी अकल। पहले अम्मा कंगन? हाँ पहले बेटा मैंने। हमने सारा से पूछा, सारा कह रही हमारे पास भोपाल रखी है। हाँ, रखी है ना। सारा कह रही है इसी में चाय डाल लिया करो। लाइए कटोरी थोड़ी अलग है लेकिन ऐसे पानी की बॉटल क्या आप सच में डालने का सोच रहे हो? मजाक चल रहा था। नॉर्मल कटोरी क्योंकि फ्रेंड्स इसकी आदत है, ये ऑनलाइन क्लास के वक्त रोज चाय और टोस्ट वहीं बैठ के खाती है तो उसने सोचा मैं इसी में भर लूंगी। अम्मी बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारे नुस्खे बताए, मैंने आपको बताया था जो बहुत सारे घरेलू चीजें बताई हैं, शहद से, अदरक से, दालचीनी से, हल्दी से और भी कुछ कुछ दवाइयों के ऐसे आयुर्वेदिक वाले नाम, बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको अभी आयुर्वेदिक दवाई लिया अभी मंगवा ले। हाँ नहीं लेकिन पहले घरेलू चीजें तो करते हैं। ठीक है। आज शाम की जब लेट है इसके बाद फिर देना। ठीक है। तो आज का व्लॉग फ्रेंड्स मैं यही एंड करती हूँ। आज मैं बहुत थक गई हूँ, अभी बहुत दिनों बाद ऐसे बाहर निकले, जिम भी गए, सारी चीजें थी घर की जरूरी चीजें थी वो करना थी और इनके जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। सारा तो कह रही है मुझसे मतलब जाने की कोई डिस्कशन भी मत करो क्योंकि उसको सुन के भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि एक ही हफ्ता बचा है और उसे जाना है, लेकिन आना जाना लगा रहता है ना।
तैयारी बिल्कुल नहीं करती। मतलब खाला ये कह रही है कि यहाँ से जाने की कोई भी उसे बात नहीं, क्या पहनेगी, क्या करेगी, क्या रास्ते में खा के लेके जाना, उसे कोई लेना देना नहीं है। और जब आना होता है यहाँ मुंबई तो एक महीने पहले से मुझे फोन करके शालोपी प्लीज अम्मी को बोलो पैकिंग शुरू कर दे, ये कर दे, ये कर दे। कोई बात नहीं, आना जाना तो लगा रहता है। इंशाल्लाह अपने बर्थडे में दिसंबर में आएगी तो सबा का, रिजा का और अपना जनवरी का बर्थडे करके अभी मुंह पर गई थी। यही सोएब दीपिका से मैंने बोला मेरे को छोटी खाला के जाने का टाइम होगा तो हैदर चौक गई है अभी छोटा मोटा कुछ सामान अपना लेने। तो मैंने कहा उसके जाने से बहुत अच्छा नहीं लगेगा, वो जो छोटी मेरी बहन बहुत काम करती है, पूरा मतलब घर हाथों में लिए रहती है। जो बेटी खाला है वो थोड़ा मेरे जैसी थ्रो से करेगी, थक जाएगी, बैठ जाएगी, तो उसके जाने से मैंने कहा बहुत बुरा। तो वो सोएब भी बोले कि हाँ बुरा तो लगेगा, ये बात तो सही है। मुझे तो सारा की बहुत नाचा खाने की तो आती है, मजा आता है, लेकिन सारा से क्या होता है कि बहुत ज्यादा फ्रेंड की तरह घुली मिली रहती है ना, लेकिन मजबूरी है, कोई बात नहीं, जल्दी से फिर आ जाएगी, उसका बर्थडे यही मनाएंगे। हाँ और इस बार हंस के जाना, अभी थोड़ी देर ज्यादा बोलोगे तो सारा अभी रोने लगे। मैं पी रही हूँ चाय क्योंकि बहुत ज्यादा मन कर रहा था आज, और अभी डिनर नहीं किया है। डिनर में बना है, क्या बना है, लौकी, और अम्मी क्या बना है, मूंग की दाल। अच्छा दिख ही नहीं रही अम्मी। मूंग की दाल। तो डिनर बना लौकी और मूंग की दाल। अभी हम पहले चाय पियेंगे, फिर थोड़ी देर से डिनर करेंगे, उसके बाद आज के जो भी सारे काम थे वो हो गए हैं। ये वाला स्कार्फ जो है ना फ्रेंड्स, जब मैं खाला को आज दुपट्टे दिलाने गई थी वहां से लिया था, क्योंकि जो इसका ये पॉम पॉम है ना ये बड़ा क्यूट लग रहा था, इसका एक ये वाला कलर भी था, बहुत ही अच्छा है। और खाला का दुपट्टा ही सही नहीं आया तो वो हम बाद में जाके इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे। रिजा की चप्पल जो है वो क्लेम करना पड़ता है कुछ एक्सचेंज के लिए, वो इंशाल्लाह 10 डेज बाद वापस आ जाएगी। और फ्रेंड्स आप लोग बहुत ज्यादा गेस कर रहे थे कि वो कौन सी गुड न्यूज है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको पक्का पता चल जाएगा। अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और अगर आप सबने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हम सबको दुआओं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अम्मी सुनो, तो अम्मी सुनो, आज जब इसने चूड़ी का ये दाम सुना और उन्हें बोला 60 रुपए दर्जन, तो बेटी खाला बोलती है हमारे वहां तो 15 की मिलते हैं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, 15 रुपए दर्जन मिलते हैं। तो ऐसे कहती भैया हमारे कानपुर में मिलते हैं कितने के, 15 के। हाँ। तो वो इतने आराम से कहते हैं, कहते वो कानपुर है, ये बम्बई, एकदम चुप ही हो गए। सब्जी मंडी से हमने बोला था, हमने कहा इतनी महंगी सब्जी दे रहे हो हमारे वहाँ कानपुर में, ऐसे कह रहे वो कानपुर बम्बई में मिट्टी भी महंगी। अल्लाह सही है टेबल।